तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका बलदेव द डिस्ट्रॉयर के एक और नए खतरनाक वाले गेम प्ले वीडियो में। यार ये वाला मुझे ना इवेंट से मिला है और ये वाला टाउन मैंने ना परचेस किया है, तो अभी बारी है इसको फटाफट से अपग्रेड करने की। और मैं एकदम भाई साहब स्पीड में अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ये वाला रेंजर ना मेरे को पर्सनली फेवरेट हो गया है आजकल, क्योंकि भाई ये ना खतरनाक है एकदम। भले ही इसका डैमेज कम है बट इसके कॉम्बोज ओपी 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 बहुत ज़्यादा ओपी हैं। मैंने इसे जितना मुझसे हो सकता था उतना अपग्रेड कर लिया है। टाउन जो मैंने अलग से खरीदा था 230 क्रिस्टल का, वो अलग से है। और डैमेज आप लोग देख सकते हो कितना है, अभी टीम में लगाया 43,000 हेल्थ है एंड डैमेज देख लो भाई 5,500 करीब 6,000 के आसपास है मिडल स्लॉट का, एंड उसके बाद जो प्राइमरी स्लॉट है उसमें 4,000 के आसपास का डैमेज है। तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट बैटल लगाए हुए हैं और यहाँ पे है एक डैगरन वाला ओपोनेंट, गॉड लॉर्ड करके एक अलाइंस से उससे हमारा भाई। तो ठीक है, यहाँ पे मारा है स्ट्राइक। ओके तो भाई साहब देखो, मुझे ये अभी उतने अच्छे से खेलना नहीं आता है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से इसको अभी यूज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बैटल है इसीलिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसे लपेटने की। अरे यार ये तो ट्रिक्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि भाई साहब डल्फिन असीस मार। ओके ओ भाई साहब ठीक है, चलो खेल दिया। देखो भाई बहुत ज़रूरी है ध्यान रख के खेलना, क्योंकि वरना लौटे निपटा देते हैं। ओ भाई कारपेट, मिस्टिक कारपेट, बहुत सही, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओके बूम, ये मार देगा, ये मार देगा, अपने को नहीं छोड़ेंगे ब्लॉक। ओके नहीं दबा स्ट्राइक, अपने पास है वाइट एंड ब्लैक। अरे यार ग्रीन स्लाइड मतलब स्ट्राइक है, दो ब्रेकर है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, अब मैं तुम्हें गांड देने वाला हूँ, पहले हम लेंगे। तो फाइनली ब्रेकर तो पड़ेगा ही, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओके तो अब मैं जो तगड़ा वाला कॉम्बो बनाने वाला हूँ ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब मेरे पास 10 की 10 ईपी है। बहुत हार्ड ये वाला ना, इसका स्ट्राइक बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड बूम, कॉम्बो बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा डैगर असिस्ट, जो कि बवाल चीज़ है भाई। ओके रेड एंड वाइट ब्लैक है अपने पास एक ब्रेकर, लेकिन भाई उसकी नौबत नहीं आएगी। बूम बूम ब्लास्ट, भाई साहब ये टीम वाला ना मतलब बहुत ज़्यादा, इसका सुपर एबिलिटी ना बहुत हार्ड है, उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बवाल चीज़ है भाई पूरा सिस्टम। एंजल ऑफ डेथ, ओके डेथ की एंजल है भाई, एंजल की डेथ है, जो भी नाम है इसका खतरनाक है एकदम। और ये लेवल 2, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही। मेरे को वैसे चुनली के मूव्स पता है कि कब क्या कौन सा मूव मार सकती है, इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ चुनली को आसानी से, क्योंकि मेरे पास भी लेवल 3 चुनली रेंजर थी पहले, अब तो नहीं है लेकिन ठीक है यार, मतलब छोड़ेंगे नहीं हम इसको, भी लपेट देंगे। तो मेरे पास आ जा, वाह क्या बात है, मतलब इसका मिडल स्लॉट ना मेरे को इतना ज़्यादा मतलब हेल्पफुल लगता है, कभी भी स्ट्राइक मारना हो ना, अगर ओपोनेंट भी स्ट्राइक मार रहा हो और तुम भी स्ट्राइक मारोगे तो तुम्हारा स्ट्राइक पड़ने का चांस, मतलब मेरा स्ट्राइक पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका जो किक है वो बहुत फास्ट है इसकी। और ब्रेकर की, ओ भाई साहब ये इससे स्ट्राइक मार दिया, क्या बात है। ब्रेकर की रेंज भी ठीक ठाक है, करीब एक स्टेप के आसपास है, लेकिन ठीक है मतलब एक या दो स्टेप तक है, बट वो रेंज काफ़ी अच्छी है भाई। बूम ब्लॉक, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक, वो हार्ड एंड एबिलिटी। बूम एबिलिटी यार थोड़ी ज़्यादा क्लोज रेंज की है, अगर इसको मतलब जैसा अभी जो नया करेक्टर आया ना, अगर उसके जैसी एबिलिटी थोड़ी सी लॉन्ग रेंज होती है ना, जैसे नया करेक्टर अभी जो आया जैनिथ, उसकी एबिलिटी ना भाई लॉन्ग रेंज है, मतलब आप कहीं से भी मारोगे ना तब भी पड़ जाता है, मतलब एक मूव उसका मतलब मिस होता है एंड उसके बाद भाई बाकी के जो दो मूव्स हैं वो पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगी। और इसमें जो है मतलब उतनी खास नहीं है, एक अगर उसने किक मिस कर दी तो भाई एबिलिटी वेस्ट। ओके बम, ठीक है, ब्रेकर ग्रीन स्ट्राइक्स है अपने पास, लेकिन भाई साहब एबिलिटी मतलब मूव कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ब्रेकर भाई, ब्रेकर मारने में ना बड़ा फ़ायदा रहता है, पहले तो मूव कॉस्ट भरने का टाइमिंग हो जाती है, तो मतलब वापस से रीसेट हो जाती है, एंड दूसरी बात जो है ओपोनेंट भी थोड़ा देर तक परेशान रहता है कि भाई अब ये बंदा इसका खड़ा हो सीधे से एंड उसके बाद वो मारेगा, है ना, तो थोड़ा सा मतलब अपने को टाइम मिल जाता है, कहने का मतलब ये है। तो उसके ओ वाह, ओके ओके ओके, मारेगा ब्रेकर, नहीं कुछ नहीं मारिस, मारेगा डिफेंस, नहीं कुछ नहीं मारिस, ओके मारेगा स्ट्राइक, चलो कुछ भी नहीं मारिस, क्या कर रहा है ये भाई सोहेल सिंघानिया, क्या कर रहा है। तो इवेंट में तो भाई इतना अच्छा खेल रहा था, पता नहीं पीवी बैटल में नशे कर रहा भाई। और इसको भी वैसे मिला है मास्टर मॉफर वाला टॉमी, लेकिन ये यूज़ नहीं कर पा रहा है, वैसे तो एक बैटल में आया था, मैंने भर दिया कुत्ता इसका जब से ये आ रहा है, और आयोन लेकर के एबिलिटी के साथ, है ना, इसलिए। बाकी ये वाली खतरनाक सी स्किन है जाइटो की, बट इसने इसके ऊपर लगाई है, मतलब खतरनाक लगाई है, तो बढ़िया। तो यहाँ पे हम अगेन विन कर चुके हैं भाई साहब, एक बात तो बताओ मतलब, ओके डार्क लॉर्ड, ओके ये बंदा हाई रैंक का है और ये अगर मुझसे जीत, ओके 46,000 हेल्थ है ना, मैं कर लूँगा भाई, मैं कर लूँगा विन भाई, विन कर लूँगा, विन कर लेंगे भाई कंफर्म है, क्योंकि यार मिडल स्लॉट मैंने बचा के रखा है ताकि इसको लगे कि मेरा मतलब मिडल स्लॉट में शील्ड है, एंड उसके बाद जो है ये मतलब भूल जाए और ये स्ट्राइक मारता रहे।
तो मैंने मतलब मिडिल शॉट बचा के रखा हुआ है ताकि ये अगर मतलब ब्रेकर मारने के, अरे तेरी बहन केलर, कोशिश तो उसने करी थी, हमने कोशिश करी वो भी ब्लॉक हो गया था। ठीक है, एक मूव एंड एक स्ट्राइक, चलो ठीक है। ये वाला स्ट्राइक ना हमेशा ऊपर रहे ना अपोनेंट, तभी मारो क्योंकि ये ब्लॉकबल है, ब्लॉक हो जाती है। बाकी इसके अलावा कोई भी मतलब मूव इसका ब्लॉक नहीं होता है। तो मास्टर डिस्ट्रप्टर है वो जो डिफेंस वाला, वो ब्लॉक होता है लेकिन इतना कुछ खास जल्दी नहीं कर पाता कोई भी। और इसका फर्स्ट लॉट मतलब मतलब स्ट्राइक तो हो जाता है बस ना, बाकी मिडिल स्लॉट का ब्रेकर या स्ट्राइक कुछ भी ब्लॉक नहीं होता है। अगर फर्स्ट हिट में स्ट्राइक ब्लॉक हो गई तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद तो तुम्हें पता ही है भाई वो छोड़ता ही नहीं, इतना फास्ट मारता है। अगर मार ना 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 चलो ठीक है ओके, ये बात अभी मैं मारूंगा। सबसे पहले मूव कॉस्ट भरने का इंतजार करो, उसके बाद मारो एबिलिटी, क्योंकि मैं स्ट्राइक मारूंगा तो डिफेंस मार सकता है, इसलिए डायरेक्ट एबिलिटी मारो भाई। और उसके बाद ये देखो क्लोज रेंज तो है नहीं मेरे, तो मैं स्पेयर चेस्ट मारूंगा, क्योंकि अगर मेरा मैं उससे क्लोज जाऊंगा तो वो ब्लॉक करने का चांस है उसको कि वो ब्लॉक कर लेगा, इसलिए मैं स्पेयर चेस्ट मारूंगा और ब्लॉक करने की टेंशन नहीं खत्म भाई। तो समझदारी से खेलो एंड पेल पाल दो। और यहाँ ओ भाई सॉरी, अब मैं ना छोड़ो, मैं हो गया हूँ पिरो, मैं चार बैटल से एक ही बैटल हारा नहीं हूँ, तो मैं हो गया हूँ पिरो और मैं इसको आराम से खेल सकता हूँ। अरे मार दे, बच गया। ठीक है, मैं मारूंगा ब्रेकर ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक, अरे तेरी किया। ठीक है, किया उसकी बहुत सही है यार, लेवल 7 अपग्रेड है और उसको जमा हो लेवल 8 साई, तो अच्छा मतलब अच्छा टीम लेके आया भाई। लेवल 4 टॉमी है, एबिलिटी 11 है, काम उसका 12 है, मार खाएगा वो 13 ओके। ठीक है, डिफेंस और नहीं लीस भाई, क्या बात हो गई, ये देखा मतलब कितना फास्ट स्ट्राइक है भाई इसका, खतरनाक सा एकदम। ओके, स्पेयर चेस्ट बहुत हार्ड, स्टन करो, चमेट लगाओ, स्टन करो, चमेट एंड चमेट, ओके ठीक है ब्लॉक, अरे यार कर ली ना, मैं बोला था ना कि इसका फर्स्ट लॉट जो है ब्लॉकेबल है, एक हिट के बाद वो ब्लॉक कर सकते हो, मतलब ये खतरनाक है। ठीक है, मैं समेट, अरे यार मैं समेटने की कोशिश कर रहा था लेकिन समेटा नहीं इसने। ठीक है, 5 टर्बो रेड टर्बो 5 ओके, यहाँ पे मारेंगे अपन, एक और स्ट्राइक का इंतजार कर रहे हैं, अगर पड़ गई तो ठीक है ओके, पड़ गई ठीक है बहुत हार्ड, अब तो लपेटने की व्यवस्था हो गई यार, मतलब इसकी एबिलिटी के बाद वो मूव कॉस्ट नहीं भर रही है, तो फिर हम हो सकता है कॉम्बो में ना आ जाए, ऐसा ना हो कि कॉम्बो में बन जाए और मेरा काम करता है, लेकिन ठीक है हम कोशिश कर रही थी एबिलिटी, ओ ले लीज भाई ले लीज, तो अपना खेल ख़त्म ही है, अब तो अपना खेल ख़त्म है भाई। तो ठीक है यार, अगली बार मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे इसे, एंड काकाशी हकाटे हटाके ओके। तो इसके पास है भाई नया वाला जैनिथ, और ये ज़्यादा ही परेशान हो रहा है जैनिथ के चक्कर में, और इस्तला बहन की, ओ भाई साहब क्या बात है, बहुत डंडा चमका रहे हो, ओके स्ट्राइक शांति के साथ स्ट्राइक मार रहा है ये, शांति के साथ ओके, चलो स्ट्राइक कैंसिल, ब्रेकर बहुत हार्ड, आजा तू स्ट्राइक मार भाई, नहीं मार रहा, आगे घुसने की बड़ी जल्दी है, पता नहीं क्यों, नया कैरेक्टर अनलॉक कर लिए तो सोच रहा होगा कि जिंदगी भर सबको उड़ाऊंगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, नया कैरेक्टर तो नया है लेकिन जो हम लोग के पास है ना वो एकदम खतरनाक वाला कैरेक्टर है, मतलब मास्टर साले को बम से उड़ा दूंगा एक, मतलब टॉमी के सामने तो भाई कौन ही टिकेगा समझ लो, तो टॉमी ये मतलब खतरनाक, ये गेम में ना टॉमी का जितने भी मतलब कैरेक्टर्स हैं सब ओपी हैं, तो चिंता की कोनो बात नहीं है, जैनिथ आ जाए चाहे जाइटो आ जाए चाहे पूरा खानदान आ जाए, पर भाई जीतने वाले नहीं है ये बिल्कुल भी। अपने पास है एबिलिटी, ओ हो सोब एबिलिटी मारने वाला था मैं, डिफेंस भी दी ओके, बहुत हार्ड ये वाला मूव इसका मुझे अच्छा लगता है ब्रेकर, ठीक है ना, मतलब जो मारता है और ऊपर जाके ब्लास्ट कर देता है। ठीक है तो चलो ओके, वाइट एंड ब्लैक है अपने पास एबिलिटी, चलो स्ट्राइक मारेंगे, ग्रीन स्टार ना ही मौका मिलेगा भाई, एबिलिटी से ही काम हो गया इसका, तो इसका तो खेल खलास है। ठीक है, खतरनाक साले को बम से उड़ा दूंगा अगली बार आ गया तो, कोई दिक्कत नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। नमिकेस नाम है इसका, बहुत हार्ड, आओ आगे देखते हैं, लेवल 3 है, इतना टेंशन की कोनो बात ना है। एक तो दिक्कत ये है कि मेरा मिडिल स्लॉट ब्लॉक हो रहा है, मतलब मुझे मिडिल स्लॉट चाहिए, अगर इस वाले करेक्टर के सामने भाई कोई अगर ग्रीन समरा यूज़ करे ना तो जीतना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसका मिडिल स्लॉट मतलब ब्लॉक करने का पावर है और अपना मिडिल स्लॉट ही मेन पावर है, तो हम हार, अरे क्या बात है, देख रहे मतलब स्ट्राइक कितना फास्ट है उसका, स्ट्राइक पड़ने से पहले अपना स्ट्राइक पड़ जाता है, ब्रेकर बहुत हार्ड भाई, ये तो ऐसे छोटे मोटे बंदों का तो आराम से मारेंगे, ये देखो चमका मतलब उछलते ही लात पड़ती है, काम खत्म, 5 टर्बो, अरे यार वो शे उसने ब्लॉक यूज़ कर लिया, बहुत हार्ड उसने ब्लॉक यूज़ कर लिया भाई। ठीक है, डिफेंस है अपने पास, एक ब्रेकर भी है,
एक क्यों, दो ब्रेकर यार, चल तेरी। ओके ठीक है, मारो मारो मारो, जिंदा मत छोड़ो इसको। ओ यार ठीक है, रेड टर्बो बहुत दांत निकाल रहा, पीछे घूम के हैं। स्पेयर चेस्ट आजा, एबिलिटी है बहुत हार्ड, एबिलिटी ही मैं एबिलिटी मारेंगे भाई, एबिलिटी ही मारेंगे। इसके बाद मारूंगा मोफा डिस्ट्रक्टर ताकि वो दिक्कत ना करे। पहले स्पेयर चेस्ट एंड बूम, देखो ब्लॉक होने का चांस था इसीलिए मैंने पहले स्पेयर चेस्ट मारा, बाद में वो ब्लॉक हो जाता था, मतलब हो सकता था ब्लॉक। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो आराम से मारो, कोई दिक्कत नहीं। आयरन बिंसन क्या बात है, गैलेक्सी स्टार रेंजर्स जी, ऐसे नाम इतना बड़ा है अलाइंस का कि लग ही रहा है कि भाई खा ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा भाई पीरो आदमी, चिंता मत करो, ग्रीन स्ट्राइक मारेंगे। देखो अभी ना जब हाई लेवल के बंदे हैं ना, जैसे ये आया 54 प्लस के हेल्थ है, जब हाई लेवल के बंदे हैं ना तो मूव कॉस्ट भरने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करो, जितना है उतना मार दो। ओ भाई साहब ठीक है, तो ये इसकी मेन पावर है भाई, मतलब हेल्थ रिकवर करना इसकी मेन पावर है। और उसके बाद डिफेंस तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये डिफेंस इसको, मतलब जो वाइट इंजर का मेडिटेशन वाला मूव था उससे भी ज़्यादा डिफेंस टाइम है इसका, मतलब खड़ा ही रहता है। मारो भाई आराम से, कोई दिक्कत ना, ब्रेकर मारो तब कोई दिक्कत नहीं, मतलब ब्रेकर हमारे पास है वैसे, लेकिन ठीक है यार। डबल स्ट्राइक, स्पेयर चेस्ट है, कद्दू फोड़ देंगे इसके बाद। ओ चमेट ठीक है, वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, चल जा ब्रेकर। ओके ठीक है, डिफेंस ही लिया था इसने मेरे हिसाब से, बच गया था अभी ये तो आराम से। ठीक है ब्रेकर, ओ नहीं लीस, कुछ भी नहीं मारिस भाई, मुझे लगा मैं ये ब्रेकर मारेगा, मैं एबिलिटी मारूंगा, काम खत्म। ठीक है आराम से ब्लास्ट, बूम, कद्दू फूटा, नहीं फूटा, अब किन फूटेगा, अरे यार मैं ही फूट गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिफेंस नहीं दबा सकते, एबिलिटी भर रही है, मतलब मूव कॉस्ट भर रही थी। ठीक है चमेट, एक ब्रेकर, अगेन एक और ब्रेकर, जंजीट उधर, कद्दू फूट ही गया लास्ट में, बहुत हार्ड। तो नेक्स्ट बैटल में कौन आने वाला है, देखो ओ सिल्वर वाले आ गए भाई। ओके इलाइट हंटर, स्कोर पीना, डबल स्ट्राइक, डबल ब्रेकर, डबल डिफेंस, स्कोर पीना, जिंदाबाद, अरे यार डिफेंस, ओके नहीं दबा। मोफर डिस्ट्रप्टर दबाई नहीं भाई, स्पेयर चेस्ट, ओके अब मैं मारूंगा स्पेयर चेस्ट, ठीक है, अरे यार मिस, ये हुई ना बात, अरे यार ना ब्रेकर बड़ा ना स्ट्राइक बड़ा, अभी तक तो मैं खड़ा हार रहा हूँ। 27,000 वर्सेस 50,000, ओके मतलब 50% मेरी है, 100% उसकी है, देखो क्या बनता है। मैं मारूंगा एक स्ट्राइक जहाँ तक मुझे पता है, अरे अगर मैं क्लोज रेंज में इसका 5 रेड टर्बो मारूँ तो रेड टर्बो 5 मारूँ तो मतलब क्या बोलते हो, जमेगा, ओके मतलब पड़ेगा क्या, किया को ब्लॉक मारेगा क्या, वो चेक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, जैन जी के साथ कॉम्बो बन जाएगा, लेकिन वो क्लोज रेंज की स्ट्राइक बचेगी, इसीलिए मारो पहले वही, मतलब मिडल शॉट मारो। ये मारेगा किया ना, किया नहीं मारिस, मुझे लगा किया मारेगा तो मैं मारूंगा ब्लॉक आराम से। उसके बाद जैन जी टू द रेस्क्यू, ओ भाई साहब एक और, अगेन जैन जी टू द रेस्क्यू एंड भाई साहब सोल ऑफ द ड्रैगन, वो था ये, ओ ऑल टॉमी, क्या बात है, टॉमी लाते, अब सिर्फ लाते चलेंगे। फेल दिया, बहुत हार्ड। तो सामने है एक और लौंडा जिसका नाम इंडियन डॉन, अबे इंडिया में तो सिर्फ मैं ही डॉन हूँ और कोई ना बन सकता, आओ बूम। पर ये पीरो प्लेयर लग रहा मुझे, इसकी आंखों में कुछ दिख रहा है मुझे, खतरनाक सा नशा, ये हरा देगा मेरे को व्यक्ति। अरे भाई इसका स्ट्राइक ही नहीं पड़ने दूंगा मैं, एक भी स्ट्राइक ना पड़ने दूंगा, अरे तेरी, इसको मौका देंगे अपन मारने का, ऐसी बात नहीं है अपने इसको, अरे तेरा वो ब्रेक कर मेरा, ओ भाई मैं मतलब टाउन नहीं मारा था तो मैं स्ट्राइक पड़ता जरूर, लेकिन ठीक है थोड़ा सा दबदबा भी बनाना चाहिए, समझ रहे हो। तो डिफेंस और ही नहीं, इसको कैंसिल करके ब्रेकर मार रहा भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा। ठीक है ये डर रहा है, मुझे पता है ये डर रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में आ ही नहीं रहा मेरे पे मारने के लिए, ये बहुत डर रहा है। मैं मारूंगा आराम से, एक एपी और रिकवर करूंगा रेड टर्बो 5 के साथ, वो था ठीक है, अभी 3 एपी चाहिए मेरे को। ओके यार ठीक है ब्रेकर, चलो ठीक है, एबिलिटी आई, अब डरने की कोई बात ना, स्पेयर चेस्ट, ओ यार शिट, ले मार दे, मार, अरे ठीक है एबिलिटी टाइम, अब मैं मारूंगा 5 रेड टर्बो, मुझे लगता है ये पड़ेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा दूर मेरा बंदा खड़ेला है। ओ भाई मिस हो गया, सच्ची में मिस हो गया, मार, ओके ठीक है, ले इसको मार दे लुल्ली पे, अबे हमको मारेंगे, ब्रेकर लेके बैठे लाऊ मैं लॉन्ग रेंज का, इसीलिए तो मैं इंतजार कर रहा था कि ये कब ब्रेकर मारे, कब मैं इसको सूद दूँ। तो यक मतलब स्पाइसी यक, स्पेसी यक, या क्या नाम है इसका, यक भाई लेवल 3 जैनित, ओ भाई साहब लेवल 3 है,
अपने जीतने का चांस 80% है, 20% नहीं है हारने का चांस। लेवल 3 जैनित आ जाए चाहे लेवल 9 जैनित आ जाए, भाई हारेगा तो वही। मुझे पता स्किल्स बहुत तकड़ी है मेरी, मेरे को अरे तेरा वेस्ट तेरा बहन की। ओके फेल दिस, ठीक है। स्ट्राइक और स्ट्राइक अच्छा है इसका, स्ट्राइक लॉन्ग रेंज है थोड़ा सा, ब्रेकर थोड़ा सा क्लोज रेंज है जैसा मेरा स्ट्राइक थोड़ा सा क्लोज रेंज है, ब्रेकर लॉन्ग रेंज है। ब्रेकर हमेशा लॉन्ग रेंज ही होना चाहिए यार, क्योंकि ब्रेकर दूर से पड़ सकता है तो ब्लॉक निकलने का चांस ही नहीं है। हाँ समझ रहे हो क्या मतलब, समझ रहे हो क्या मतलब जलवा। ओके स्ट्राइक क्लोज रेंज का होना चाहिए, ब्रेकर लॉन्ग रेंज का हमेशा होना चाहिए, ताकि लॉन्ग रेंज में आप ब्रेकर मारो तो ब्लॉक होने का कोई दिक्कत ना रहे। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे यार ठीक है। ओ भाई गोलियां चला रहा है तो अपने स्टाफ से, ठीक है ठीक है ठीक है। आओ हमारे पास होता तो मैं जीतता, लेकिन तुम्हारे पास है तो भी मैं ही जीतूंगा, समझ लो। वहाँ पे एबिलिटी मेरे पे बहुत ख़तरनाक वाली है भाई, और मेरे जीतने के ही चांस है। मैं हार तो सकता ही नहीं कभी भी, मेरा अमर हूँ भाई मैं अमर, टेंशन की कोई बात ना है। लास्ट हिट तो पढ़ाई नहीं, अभी 1300 रुपये का 1300 का डैमेज देता है वो आराम से, कम से कम ठीक है लेकिन आराम से। ओके नेक्स्ट बैटल नामी केस मिनाटू, भाई कैसे कैसे लोग भाई चाइना से आ रहे हैं क्या खेलने के लिए। पैर चेस्ट मैंने ब्लॉक कर लिया आराम से, ठीक है। आन दो लेवल 3 है, आन दो भाई कोई भी करेक्टर आ जाए ये वाला करेक्टर के सामने सब फीका, मैं बता रहा हूँ बहुत तगड़ा है, बहुत ओपी है। इसको जिस जिसके पास है वो उसके तो मजे ही मजे अपग्रेड करो, बस 6-7 महीने तो दबा के खेलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेलो। कोई अपडेट वो अपडेट नहीं आने वाला, इसकी कोई चिंता मत करो। और जो लास्ट अपडेट अभी आया भी था ना वो भी चला गया, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी जो अपडेट में आया था वो वापस से ग्लिच से चला गया। अबे इनमें वालों का काम ही ख़राब चल रहा, कुछ करते नहीं है, और दूसरी बात अगर कुछ करते भी हैं तो वो भी रीसेट में चला जाता है, उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो अपने ओके स्पेयर चेस्ट जैन जी टू द रेस्क्यू, वो अबे ये तो आराम से मर गया भाई, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब आते ही चला गया, इसका कुछ पता ही नहीं चला मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 7000 का करीब डैमेज है इसका, मेरा एबिलिटी का। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।